एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो नए व्लॉग में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ और मेरे साथ कौन कौन है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम कहाँ आए हैं। फिलहाल हम जहाँ आए हैं, जहाँ इनविटेशन पे आए हैं, वहाँ उनकी फैमिली से कोई नहीं आया जिन्होंने हमें इन्वाइट किया, हम सबसे पहले पहुँच गए। तो ये दिखाता है कि हमारे पापा ने हमें बचपन से क्या सिखा के बड़ा करा है कि जहाँ भी जाओ टाइम से जाओ। हमें 7 बजे का टाइम मिला था और 7:40 हो गई। जिनका फंक्शन है वो भी देख लो, वो खुद ही नहीं आए हैं। मेरी मेरी ब्यूटीफुल सी भाभी हमारे साथ, ये रहे इधर प्रधानमंत्री साहब वो उधर दो गोवा वाले फील में, और ये रही ब्यूटीफुल सी टिया। तो ये दिखाता है कि हम सारे जो हैं टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। और अगर भाभी पापा आ रहे होते तो हम 7 बजे होते हैं यहाँ 7 बजे नहीं, वापस चलो नहीं, पापा आते तो हम 7 बजने में 5 मिनट पे यहाँ पहुँच जाते। 6:55 फंक्शन है, हाँ वो भी 7:15 तक आ जाते। वैसे आज मुझे फील हो रहा है कि पापा होने चाहिए, ऐसी जगह पापा डांट मारने के लिए सही रहते हैं। बेटा हम अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी कोई आया नहीं है ना, जिन्होंने इन्वाइट किया है, जिसकी बर्थडे पार्टी में हम आए हैं, अभी वो ही नहीं आए ना। जब वो आ जाएंगे तब हम अंदर चलेंगे। कैसा है ये क्लब, अच्छा है ना? क्लासिक है। और ये रहा मेरा छोटा सरदार, इसके पापा नहीं आए हैं क्योंकि वो ऑफिस के काम से बिजी हैं, इसलिए हैं। क्या कह रहे हो? क्यों करवा चौथ पे क्या लाल ही रंग पहन सकते हैं क्या? लाल छोटा लाल आज ही पहन लिया ये, इसको देखो क्या करवा चौथ का चांद देखने। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ बाहर से चांद देखूंगी अभी। अमन तो ऑफिस में बिजी है, चांदी चांद देख के काम चलाना पड़ेगा मुझे। तुम लोग जाओ ऐसे ही खाओ। ये सब लोग बर्थडे पार्टी में आए हैं एंजॉय करने के लिए। तो आप लोगों ने एंजॉय किया? तुम चले जाओ। गुड। ये है सुपर डुपर व्लॉगर सुपरस्टार। तो गाइज इधर चल रहा है फोटोशूट, नहीं मैं तो बोलूंगी बीच में मैं तो बोलूंगी, भैया जो है ना आज पूरा एकदम प्रॉपर वाला फोटोशूट करवा रहे हैं, छीक ही नहीं रहे फोटो खिंचवाने से। हाँ बोलो बोलो। और गाइज ये है मेरी दीदी जिनकी बेटी का आज बर्थडे है, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और बर्थडे गर्ल ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे। कितने साल की हो गई? एज नहीं बताते, बता दी एज नहीं बताई जी, पर तूने बता दी। पर तू बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आज, देखो ये देखो भाई, ये मेरे से एग्जैक्ट 10 साल छोटी है, तो अब मेरी एज का अंदाजा लगा लेना मैं कितने साल की हूँ। और ये मेरे से एग्जैक्ट 10 साल बड़ी है, तो अब ये अंदाजा लगा लेना ये कितने की है, मैं कितने की हूँ और ये कितने की है। कहाँ गया वो? हाँ। और ये रहा, ये एक है जिसको हम छोटा हाथी बोलते। ये मेरी बुआ का बेटा। क्यों हो क्या बोल रही है? अब तू मुझे बता दे, अगर कल मेरे घर नहीं आया तो क्या है उसका इलाज? कुछ ना, कल मैं छुट्टी कर लूंगा। हाँ भाई, मामा के आयो तो 2-3 दिन की छुट्टी तो चाहिए। अच्छा, इसलिए मैंने छुट्टी कर ली। अगर तूने कल छुट्टी नहीं ली और तुम्हारे घर नहीं आया तो ये याद रखे। और बेटा तेरे से तो मेरे को कुछ और भी बात करनी है, मुझे याद आ गया, तेरे लिए तो मेरे पास उलाना तैयार है। हाँ याद कर ले तू, अभी बताऊंगी, कैमरा रख के बताऊंगी क्या होगा। हाँ शरीफ, तेरी सारी शराफत निकलेगी, अभी रुक जा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को है अयान और अमन की छुट्टी, और छुट्टी वाले दिन आप लोगों को पता है कि वो दोनों बाप बेटे क्या करते हैं, एज यूजुअल सोते ही रहते हैं। 10 बजने वाले हैं पर दोनों बाप बेटे अभी तक नीचे उतर के नहीं आए हैं। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये दिखा देती हूँ, मेरा किचन का काम हो चुका है, सारा काम हो चुका है, बस सब्जी बन रही है। दिखाती हूँ क्या क्या बनाए।
तो ये बन रही है इसमें अमन के लिए सब्जी जो कि है चने की, काले चने अमन को बहुत पसंद है तो वो अमन की फेवरेट सब्जी आज इसमें बन रही है। इधर इसके दादू के लिए बन चुकी है ये वाली सब्जी तोरी की, जैसा कि वो परहेज का खाना खाते हैं। और ये है खीर, आज बनी है हमारे घर में खीर, तो खीर सब खा चुके हैं, ये बची हुई खीर है और रोटियां भी बन चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि खीर किस लिए बनी है। खीर बनी है श्राद्ध के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है श्राद्ध चल रहे हैं, तो अमन के जो दादाजी हैं उनका श्राद्ध था आज का, तो वो मैंने पहली बार निकाला है। पहली बार क्यों निकाला है, क्योंकि मम्मी जी घर पर नहीं है, मम्मी गई हुई है अयान की बुआ के घर पिछले 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट आई थिंक, तो वो है नहीं घर पे, तो उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया कि ऐसे 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 करना है वैसे 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 मैंने कर दिया। तो श्राद्ध जो है वो निकल चुका है, क्योंकि मैंने पहली बार निकाला है, तो मैंने हाथ जोड़ के ये भी बोल दिया, मतलब मैंने माफ़ी मांग ली, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, ऐसे जैसे मुझे बताया था वैसा मैंने निकाल दिया। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं वो दोनों पापा बेटे क्या कर रहे हैं। गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था ये मुझे पड़े हुए ही मिलेंगे, पर आज एक चमत्कार हो गया है। गुड मॉर्निंग बोल दो पहले सबको। गुड मॉर्निंग। आज एक चमत्कार हो गया, आज ब्लैंकेट कैसे तय होके रखे गए? क्योंकि मेरा ऑफिस है ना। अच्छा, आज ऑफिस है, आज तो छुट्टी है, काम है थोड़ा सा। अभी तभी मैं कहूँ कहीं काम नहीं है। आज तो गाइस चमत्कार हो गया, यहाँ बेड पे से ब्लैंकेट तय हो गए भाई, और ये सब फैला रखा है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ब्लैंकेट तय हो जाएंगे, पर आज कर दिया। थैंक यू सो मच इतना बड़ा मेरे ऊपर उपकार करने के लिए। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अब इसके बदले में क्या करवाओ, कौन सी जायदाद नाम करवाओगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी हेल्प करता हूँ। ओ माय गॉड, क्यों आज ऐसा क्या है? अरे मैं हमेशा ही करता हूँ। हमेशा, पहली बार दिखाया गाइज मैंने। इधर देख के बात किया करो यार, जब आपसे बात करती हूँ ना ऐसा लगता है मैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं जबरदस्ती चेप हो रही हूँ आपके। इतनी समझदार है तो फिर भी क्यों करती है ऐसे? ऐसा है सच में है? सच में है क्या? तो गाइज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो हमारे मिर्ची के पेड़ में मिर्ची लगी हुई है, ये लगी, ये देखो, देखी एक ये है और एक और लगी है, ये रही देखो, ये रही, ये अभी पूरी बन रही है। नीचे देखो इसमें फूल बचा हुआ है। एक्चुअल में मुझे लगा था कि ये जो है ये नींबू का पेड़ है, मुझे नहीं पता था ये मिर्ची का पेड़ है। इसमें फूल जहाँ जहाँ निकल रहे थे ना, मैं सोची कि यहाँ यहाँ नींबू लगेंगे, बाद में मेरे को पता लगा अबे तो मिर्ची का है, मैंने देखा जबकि मिर्ची लगी हुई है। तो गाइज अब हम अपने घर से उगी हुई मिर्ची भी खा सकते हैं, मतलब हमारे घर में मिर्च भी उगने लग गई है। पर आई थिंक ये वाला जो पेड़ है, ये वाला, इसको मैं अमरूद का पेड़ समझ रही थी, क्योंकि इसके पत्ते ऐसे ही हैं। देखो गाइस इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। अब पता नहीं ये अमरूद का है कि किस चीज़ का है, पर ये भी एक पेड़ लगा हुआ है। अब इसमें क्या निकलेगा, फ्रूट निकलेगा तब पता लगेगा ये है किस चीज़ का। आप लोगों को अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस चीज़ का पेड़ है। तो गाइस ये बना लिया है मैंने अपने लिए मौसमी का जूस, जो कि पीते रहना चाहिए ताकि जो है वेट भी लूज़ होता रहे और फेस पे ग्लो भी बना रहे। तो अब मैं ना आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, और वो बात ये है कि मैंने जो है राहुल के कल वाले व्लॉग पे कमेंट पढ़ा, जो कि मेरी भाभी के लिए आ रखा है, कि एक फ़ोटो क्लिक हो रही है केक कटवाते वक्त, और उसमें जो है किसी ने ये कमेंट किया हुआ है कि आपकी भाभी जाके खुद खड़ी हो गई फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और आपके भैया ने आप दोनों को बुलाया, आपको और राहुल को, क्योंकि भैया ने इसलिए बुलाया, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि भैया बहुत अच्छे लगे हमें, पर भाभी ने क्या करा, भाभी खुद खड़ी हो गई फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो मैं आपको एक क्लियर बता दूँ कि बात ऐसी थी कि फ़ोटो क्लिक हो रही थी, एक फ़ोटो हमारी सबकी पहले एक साथ क्लिक हो चुकी थी, और दूसरी फ़ोटो हमने इसलिए क्लिक कराई क्योंकि पहली फ़ोटो जो है वो ख़राब आई थी। तो भाभी ने अपने मुँह से बोला कि अंजलि और राहुल भैया आप भी आ जाओ, और भैया ने इशारा करके बुलाया। तो आप लोगों को भैया का इशारा दिख गया, भाभी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरी भाभी जैसी इस दुनिया में कोई भी भाभी नहीं है, ये बात सच्चाई है। भाभी है ना जो मेरे बड़े वाले भैया की वाइफ है और जो राहुल की भी वाइफ है, दोनों इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। जो बड़ी भाभी है ना मेरी, वो तो हमेशा ये कोशिश करती है, जबकि हम तो अगर देखा जाए तो मैं तो नीतू की रियल ननद दूँ, उन भाभी की तो हूँ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी तीनों, बड़ी मम्मी भैया भाभी, फिर भी तीनों ऐसे बिहेव करते हैं मेरे साथ जैसे मैं उन्हीं की बेटी हूँ, जैसे मैं उन्हीं की ननद हूँ और जैसे मैं उन्हीं की बहन हूँ।
तो ऐसा है कि हम तीनों भाई बहनों में बहुत प्यार है। मुझे बहुत बुरा लगा वो कमेंट पढ़ के, मैं अपनी भाभी खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती, इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि मेरी भाभी जैसी इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि औरतें ऐसी ही होती हैं, उनको सिर्फ अपना अपना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी जो है वो मेरे से और राहुल से इक्वली ही प्यार करती हैं और हम दोनों को बिल्कुल अपने सगे ननद और देवर की तरह ही रखती हैं। और ये देखो, ये आ गया मेरा छोटा सा टिंडा। सुबह सुबह डांट खा के कैसा लगता है तुझे? बहुत, एक नंबर लगता है, हैं? तो और डांट खानी है? फिर अभी क्यों मेरे से कट्टी करके घूम रहा था? मुझे इसलिए कट्टी कर रहा था मैंने, क्योंकि तो गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आएगा ही, गलती क्यों करते हो? फिर सॉरी बोलते घूमते हो, मम्मा छोली मम्मा छोली। अच्छा अब आप ये बताओ, अरे नहीं उठक बैठक नहीं, अब आप ये बताओ आपके जो बड़े मामू मामी हैं वो कैसे हैं? टिया दीदी स्ट्रिक्ट है खेलने में, और बड़े मामू मामी कैसे हैं? मैं वो पूछ रही हूँ। वो लोग जब आप सब लोग मिलते हो ना, अरे मैं परी और टिया दीदी का नहीं पूछ रही, मैं आपसे पूछू आपको आपके मामा मामी कैसे लगते हैं वो बताओ मुझे। अच्छे लगते हैं ना, आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ ये, क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं ना, बड़े मामा मामी भी और छोटे मामा मामी भी कैसे हैं? अच्छे है ना इस वर्ल्ड में। बड़े मामू से दोनों मामू से पहले बहुत प्यार कर रहा था, मुझसे जिद करता जब भी जिद करता। ढंग से बोलो, समझ आना चाहिए लोगों को क्या बोल रहे हो। मैं जब भी बड़े मामू के घर पे जाता था या छोटे मामू के घर पे जाता था, मैं कहता था मम्मा को, मम्मा मुझे रुक जाने दो, एक दिन रुक जाने दो, एक दिन रुक जाने दो। और मुझे अब एक बार भी मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता। क्योंकि वो दोनों मामू तुझे चिढ़ाते हैं ना। इसलिए कह रहा है पहले मैं बहुत प्यार करता था, और मामी दोनों वो तो रोकने के लिए हमेशा कहती है। मामी अच्छी है दोनों, है ना? हाँ।